हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे और भगवान से प्रेयर भी करूँगी कि आप लोग सब खुश हो, हैप्पी हो, स्वस्थ हो। तो यहाँ पे जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आती है वीडियो बनाने में आप देख सकते हैं। तो ये मेरा बेटा दूध बोतल लेके आया, कभी कैमरे के सामने आ जाता है, कभी कैमरे को फ़ोन बिगड़ा देता है, मतलब बहुत सारी नौटंकी चलती हैं। आप देख, वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले मुझे एक जंग लड़नी पड़ती है अपने इस जंगली बच्चे से। तो आप देखना इसको, ये कितना करता है, कैमरा मेरा सेट ही नहीं होने देता है बिल्कुल। आज हमारा मन है गोलगप्पे खाने का, तो घर में बना रही हूँ मैं पानी पूरी। तो सबसे पहले मैं गोलगप्पे के लिए बनाऊंगी पानी, और ये मैं रेडीमेड मसाला लेके आई हूँ पानी के लिए। तो सबसे पहले मैंने पानी लिया है, उसमें ये जितने हिसाब से डालती हूँ मैं, कभी भी नाप तोल के नहीं डालती हूँ, टेस्ट करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे टेस्ट का हो चुका है या बच्चों के टेस्ट का हो चुका है, तब मैं इसको स्टॉप करती हूँ। कभी भी मसाला नाप तोल के नहीं डालती हूँ मैं, हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ। थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। ये मसाले में सब कुछ होता है, हींग होता है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। और ये आयुर्वेद का, मतलब आयुर्वेदिक है ये मसाला। तो पानी में घोल लिया मैंने मसाला, अच्छे से मैंने घोल दिया। अगर थोड़ा बहुत नमक कम है तो नमक ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, वो मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मैं लहसुन वाला पानी बना रही हूँ, वो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाल दी है। तो ये बच्चे नहीं खाएंगे इस पानी को, इसको सिर्फ हम ही खाएंगे, क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं। और उनको जो मैं बना के दूँगी वो थोड़ी देर बाद बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इसमें बूंदी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, टेस्ट में भी अच्छा लगे और मज़ा आए खाने में। मतलब तो बूंदी डाल देते हैं कुछ, मतलब थोड़े से मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं। आप इसमें मिंट के लीफ भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये सिंपल सा बनाया। अब जाते हैं, हम बनाएंगे गोलगप्पों को, तल लेते हैं, मतलब पानी पूरी को, मतलब पूरी को तल लेते हैं। तो ये भी रेडीमेड है। जब भी मन करता है हम ऐसे ही घर पे बना लेते हैं, क्योंकि बाहर का बहुत कम खाते हैं। जब से हमारा बंद हुआ है बाहर का, मतलब तब से हम बिल्कुल भी, मतलब मैंने कोशिश की है कि मैं खुद से ही बनाऊँ जो भी बनाऊँ, और मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप कहेंगे अपनी तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं, सच्ची में मुझे किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ बोल दीजिए, मैं आपको बना के दे दूँगी। इतना ज़्यादा मुझे, मतलब कुकिंग का शौक भी समझ लीजिए, और कुकिंग मुझे पसंद भी है। तो मतलब कुछ ना कुछ नया करने का अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मेरे जो है पूरी तल चुकी हैं, और ये आलू, इनमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए है तो थोड़ा चटपटा होना चाहिए। तो ये मैं अलग रख दूँगी, फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। बच्चे ये नहीं खाएँगे, बच्चों का जो है ना टेस्ट अलग है। तो सबका देखना पड़ता है किस किस को क्या पसंद है, उसी के हिसाब से मुझे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने, देखिए सिंपल आलू है, इसके अंदर कोई मिर्च नहीं है, कोई नमक नहीं है, बिल्कुल सिंपल आलू कट किए हुए। तो इसके अंदर मैं रखूँगी आलू, और मेरे बच्चों को ये मीठे वाला बहुत पसंद आता है, तो उनके लिए मैं ये मीठे वाला बनाऊँगी। आलू डालने के बाद मैंने दही में थोड़ी सी चीनी डाल के उसको मिक्स किया हुआ है, ताकि वो दही जो है ना वो मीठा ज़्यादा मीठा फ्लेवर लेके आए। तो अब मैं इसके अंदर वो दही जो है ना ऐड कर दूंगी, और मैंने इस तरीके से एक पैकेट के अंदर, एक पॉलीथीन के अंदर रखी है दही को, ताकि वो मतलब हिसाब से डल सके, ताकि इधर उधर नहीं जाए। उसके बाद मैंने ये इमली और शक्कर की, गुड़ की, मतलब इमली और गुड़ की चटनी घर पर ही बनाई है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी मैं, सिंपल ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि उनको मीठा पसंद है। और ये जो इमली की चटनी है, इसमें मैंने नमक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे नमक के लिए मैं डालती हूँ ये जो भुजिया नमकीन होती है ना, वो उससे नमक का टेस्ट भी आएगा और टेस्टी लगेगी। तो मेरे बच्चे को ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मुझे यही रहता है कि जिसको जो पसंद है, जिसको जैसा पसंद है, मैं वैसा बना के दूँ। तो ये मैंने बना दिया अपने बच्चों के लिए,
मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी आते हैं और आपको भी आते होंगे। तो मुंह में तो आपको पानी आ गया होगा, पर मैं आपको दे नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। अब आप जल्दी जल्दी से जाइएगा, आप भी बनाइएगा अपने घर पे। ये जो पूरी के पैकेट होते हैं ये रेडीमेड मिल जाते हैं और मैं रखती हूँ हमेशा, क्योंकि बच्चों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ मन करता रहता है। और मेरे छोटे वाले को तो कुछ ना कुछ मतलब डिमांड रहती है उसकी, चाहे वो खाए या ना खाए, पर उसको दिखना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कैसा लग रहा है, तो बोल रहा है मम्मा गंदा, मतलब मजाक कर रहा था। तो बस यहाँ यही है कि बच्चे खुश हम खुश, बाहर जाने से बचाएंगे। अब मिलते हैं छोटे बेटे से, जो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है, मुझे सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है। तो सुन लीजिए इसकी भी बातें। सिर्फ मम्मा करती है आपको, सब बच्चे वहाँ पे रो रहे होते हैं और मैं आपको लेके आ रही होती हूँ, ठीक है? नहीं। हाँ जी। अरे जब उनकी छुट्टी होती है तब तो आने देता, पर उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है और मेरी जल्दी नहीं ले सकती है मेरी। मैं करता हूँ। कैसे बता रहा जरा? बताओ आप मुझे। स्कूल लेट स्कूल तो लेट लाते हैं और मुझे जल्दी करना, जल्दी लाना होता है। यहाँ पे जल्दी छुट्टी हो जाती है, मेरी लेट। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। अब मम्मा तो मुझे देखते नहीं ना, मैम बोलती है जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी तभी आप अपने बेबी को लेना। डांट पढ़ाएगा तो वो मुझे डांट पढ़ाएंगे ना मैडम। तो मैं आपकी डांट पढ़ा दूंगा। आप डेली पढ़ाते हो मेरी डांट? आप डेली स्कूल लेट जाते हो? चलो अच्छा जल्दी रेडी हो गया ना, चलो चलो बाबू। फिर आप आदमी कैसे फिर ऐसे ही हो गया? गंदे से बच्चे गंदे गंदे रह गए। देखो आप रेडियो रखे और आप कितने अच्छे लग रहे हो स्कूल की ड्रेस में। स्कूल नहीं जाओगे तो आपको सब गंदा बच्चा लगेंगे और आपके साथ कोई भी नहीं खेलेगा, है ना? आपको कोई फ्रेंड नहीं बनेगा फिर, पता? देखा आप मुझे प्यार नहीं करते? नहीं तो बता मुझे कैसे कैसे बचाया था बताओ आप, मुझे कैसे बचाया था आपने? मेरा ब्लड ठीक किया था? हाँ। तो इसका मतलब आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? हाँ। और मैं आप नहीं करते? अच्छा, और आपको मैं दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। जैसे आप मेरे बेबी हो ना, तो भाई भी तो मेरी बेबी है और किसकी बेबी है? यहाँ पे मेरे बेटे को जो है ना लगता है कि मैं बड़े भाई को मतलब उसके भाई को प्यार ज़्यादा करती हूँ और उसको कम करती हूँ। तो इसी तरीके से बस पूरा दिन निकल जाता है हमारा। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी।